नमस्कार, आप देख रहे हैं जी 10 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ साक्षी शर्मा। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस ने क्यों किया इनकार? जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य नेताओं पर हमला बोल दिया है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ ये बताने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में बदल दिया है। इस कार्यक्रम को लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कराया जा रहा है। इस बात को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर कांग्रेस को काफ़ी खड़ी खोटी सुना डाली, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ दशकों में अयोध्या में मंदिर के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी की। इसलिए कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया था। अब देखना यह है कि भगवान राम का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस का 2024 में जनता बहिष्कार करेगी या नहीं।